नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 23 जून और 23 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे और जितने भी एक क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियोज आप अंत तक देखिएगा और अंत में मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। इस वीडियोज की पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व जिराफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व जिराफ दिवस मनाया जाता है। अब इसके मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो पूरी दुनिया में जिराफ को संरक्षण और उनको बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व जिराफ दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे ये डेट्स वाले क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे देखिए और अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 19 जून को हमने क्या मनाया? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। और साथ में 19 जून को ही हमने विश्व सिकल सेल दिवस मनाया। 20 जून को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और 21 जून को विश्व जिराफ दिवस मनाया जाता है। 22 जून का भी बात करेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गो स्केट बोर्डिंग डे कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 21 जून को गो स्केट बोर्डिंग डे मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में स्केट बोर्डिंग को प्रमोट करने के लिए, लोगों के भीतर इस बात की जागरूकता फैलाने के लिए कि आप भी इसका इस्तेमाल करें, इसका ज्यादा से ज्यादा चलन बढ़े पूरी दुनिया में, तो उस चीज को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को गो स्केट बोर्डिंग डे मनाया। अदर इंपॉर्टेंट डेट्स जो आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 15 जून को ग्लोबल विंड डे और साथ में 15 जून को ही वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया। 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट और विश्व सिकल सेल डे मनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप नोट करिएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि इस जैसे ही डेट वाले जितने भी क्वेश्चन आए तो आप रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस पूरे मंथ के उन सबको एक बार आप नोट डाउन करिए तुरंत कॉपी पेन लेकर के, तो ये बेहतर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर। अब विश्व हाइड्रोग्राफी क्या है? ये समुद्र के अंदर जो भी नेविगेशन सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए यह हाइड्रोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके महत्व को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब ये प्रत्येक वर्ष 2006 से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2006 से 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 का हाइड्रोग्राफी दिवस का विषय क्या है? हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अदर इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। 21 जून को भी बताया, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, 19 जून को मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, तो देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया गया? तो 22 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व वर्षा दिवस मनाया जाता है, वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वर्षा वन दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया के वर्षा वनों की लोग रक्षा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता बढ़े कि ऐसे वर्षा वनों को संरक्षण हासिल हो, ज्यादा से ज्यादा वर्षा वनों को विकसित होने में मदद करें। तो इन सब चीजों की वजह से प्रत्येक वर्ष 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। चलिए अब इसमें अदर इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उनको देख लेते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 18 जून आर्टिस्टिक प्राइड डे और साथ में 18 जून को ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में भारत में कहां ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रहा है? तो पुणे में ग्लोबल बिजनेस सेंटर सर्विस सेंटर खोलने जा रहा है ब्रिटिश पेट्रोलियम। अब ब्रिटिश पेट्रोलियम जब ये सर्विस सेंटर खोलेगा तो यहाँ लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा और ये पूरे विश्व के लिए बीपीओ का काम करेगा। तो ये ब्रिटिश पेट्रोलियम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ब्रिटिश पेट्रोलियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था। 14 अप्रैल 1909 को। इसके फाउंडर कौन थे? विलियम नॉक्स डेयर। हेडक्वार्टर इसका कहां पे? लंदन में। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है इसमें? बर्नार्ड लूनी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के, आप जरूर नोट्स करते जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जलवायु संकट की राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार 1901 से लेकर 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा? तो 0.7 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान बढ़ा है। अब ये भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पे एक रिपोर्ट जारी किया गया और ये भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स देखा गया जिसमें ये बताया गया कि 1901 से लेकर 2018 के बीच में भारत की जो
तापमान है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और इसका मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन इसका मुख्य कारण है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जरिए ये सारे रिपोर्ट जा रहे हैं। तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जो मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उनको आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने COVID-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो कर्नाटका बैंक ने हाल ही में COVID-19 से महामारी को कवर करने के लिए एक पॉलिसी लॉन्च की है, जो इसने यूनिवर्सल सोमोपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर किया है। इसमें क्या होगा, 120 दिनों की वैधता की अवधि के साथ मात्र ₹399 मामूली प्रीमियम पर COVID-19 का स्वास्थ्य कवर लोगों को मिलेगा। इसमें क्या होगा, अस्पताल में होने वाले खर्चों के लिए ₹3,00,000 तक का कवर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे कर्नाटका बैंक है, तो कर्नाटका के बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर SS हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक का यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुआ, तो कर्नाटक के समय मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और SIDBI ने किस योजना के लिए MOU हस्ताक्षर किया है? तो PM स्वनिधि योजना के लिए स्वहस्ताक्षर MOU पर हस्ताक्षर किया है। अब SIDBI क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और PM स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो उसके लिए एक MOU पे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और SIDBI ने हस्ताक्षर किया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी हैं, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। WEF की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कौन दो भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं? तो अभी हाल ही में जेस्ट मनी और स्टेल एप्स, ये दो कंपनी 2020 की टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में शामिल हुई हैं। अब इन दोनों कंपनियों के बारे में, जो जेस्ट मनी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल एक भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है जो लोगों को किफायती ऋण सुविधा प्रदान करती है। दूसरा सेटल एप्स, ये भारत का डेटा लीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण के कार्यों से जुड़ी हुई है। ये दो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो 2020 की टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में शामिल हुई हैं। अब यहाँ पे WEF ये टर्म इस्तेमाल हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ये कब बना था, January 1971 में। इसके फाउंडर है क्लाउस स्वैब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है क्लाउस स्वैब, इसका हेडक्वार्टर है कोलंगी स्विट्जरलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में किस खिलाड़ी के लिए पद्मश्री की सिफारिश की है? तो IM Bijian ये एक भारतीय टीम के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है और कप्तान रह चुके हैं। इनके नाम की सिफारिश की गई है पद्मश्री पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में। और इन्होंने लगभग 79 मैच खेले हैं, उससे अधिक मैच खेले हैं, लगभग 40 गोल किए हैं। 2003 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। 1993, 1997, 1999 में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इनको दिया जा रहा पद्मश्री पुरस्कार। तो पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सिविलियन नागरिक पुरस्कार है। इससे ऊपर तीन और बड़े बड़े हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और भारत रत्न है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको नोट करिएगा। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए कल के सवाल का जवाब, सत्यभामा का संबंध किससे है? प्रहलाद जोशी। ये आपके कल के सवाल का जवाब था, प्रहलाद जोशी इसके सही आंसर है। आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस मलयालम निर्देशक लेखक निर्माता का निधन हो गया? तो आपके पास चार ऑप्शन है, जो भी आपको बेहतर लगे उसका आप आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हर उस स्टूडेंट तक पहुंच सके जिनको करंट अफेयर्स की नीड है। चलिए अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो /RZClasses फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे Instagram/RZClasses पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इस पूरे वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।